हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई थी, कल डालने के लिए बोला था लेकिन मैं आज डाल रहा हूँ कुछ रीजन की वजह से। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जर को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 5 वॉट यूज करें, 12 वॉट यूज करें या फिर 20 वॉट यूज करें, जो कि नया आया इसी साल। तो देखो, बहुत सारी कंफ्यूजन है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आप लोगों को मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ क्या रीजन होता है जो आप लोग कंफ्यूज हो। साथ में जो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे 4K कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो जो नया बंदा देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस चैनल को ग्रो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद 20 वॉट या फिर 12 वॉट यूज करने से फोन हीट होगा और बैटरी हेल्थ ड्रेन होगी। तो मैं आप लोगों को सिंपली बताना चाहता हूं, आप लोग 3-3 घंटे गेमिंग करते हो, गर्लफ्रेंड से बात करते हो, तब तो हीटिंग इश्यू आप लोगों का नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है। एक चीज जरूर है यहाँ पे कि आप लोगों जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। एप्पल ने जो है अपनी वेबसाइट पे भी ये डाल रखा है कि जो कंप्लीट साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रेन नहीं होगी। हीटिंग की वजह से जरूर फर्क जो है पड़ता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये चार्जर जो बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाते, प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह के साथ बनाए जाते हैं। और फास्ट चार्जर आजकल 65 वॉट 70 वॉट यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज फोन या जो भी सैमसंग के फोन है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमियम फोन अब एप्पल ले रहे हो, पैसा ज्यादा लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको टेंशन ज्यादा होती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग 5 वॉट की। तो 5 वॉट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी 5 वॉट नहीं खरीदना, स्पेशली आईफोन 7 के बाद जितने भी फोन है उनके लिए तो 5 वॉट आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना। क्योंकि फास्ट चार्जिंग करनी है, आप स्लो चार्जिंग करोगे 3-4 घंटे वेस्ट करोगे, कोई भी फायदा नहीं है। और उससे मेरे हिसाब से फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो खत्म भी हो सकती है। रीजन क्योंकि जो आपके फोन है 7, 8, 9 उसके मतलब 9 तो है नहीं, सॉरी आपके 10, 11 जितने भी ये फोन है, अब उसमें जो है आप ज्यादा यूटिलाइज करते हो फोन, बहुत ज्यादा यूज करते हो। और अगर आप 4-4 घंटे चार्जिंग पे लगाओगे तो हीटिंग तो ऑलरेडी प्रोड्यूस होगी होगी। क्यों होगी? क्योंकि 4 घंटे आप फोन को चार्ज कर रहे हो, उसके बाद 3 घंटे गेमिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो पूरा दिन फोन जो है यूज हो रहा है, कहीं पे भी फोन आइडल नहीं पड़ा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा 5 वॉट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। जिनके पास आईफोन 5, 6 वगैरह है वो डेफिनेटली जा सकते, क्योंकि उसकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा छोटी है। बात कर लेते हैं 12 वॉल्ट की। और 12 वॉल्ट का यहाँ पे सबसे बड़ा सीन ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 12 वॉल्ट यूज कर लेते हैं मिड में, मतलब 5 वॉल्ट भी नहीं 20 वॉल्ट भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर 20 कर रहे हो तो 12 में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड वगैरह की या फिर हेल्थ वगैरह की बैटरी की, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए आपको कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 20 वॉट की। तो 20 वॉट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैं खुद 20 वॉट यूज कर रहा हूँ अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स पे, और मैं सभी को जो भी आईफोन 11 परचेज कर रहा है, 10R परचेज कर रहा है, ऐसी सेकंड जनरेशन परचेज कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको 20 वॉट के साथ। चार्जिंग भी जल्दी होगी, हीटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बोला इतनी गेमिंग कर लेते हो तब तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आप 1 घंटा फोन चार्जिंग पे लगा दोगे तो फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 वॉट के साथ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 20 वॉट के एप्पल चार्जर का, वहां से आके परचेज करो और आराम से अपने फोन की चार्जिंग कर सकते हो। तो बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो थोड़ी डिले चल रही है, उसका रीजन मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बता दूंगा। थोड़ी एनर्जी भी आजकल कम चल रही है, तो पूरी वीडियो आगे जो है आएंगी, रोज एक वीडियो आएगी आपके लिए। अभी थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है, तो बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।